नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको श्रावण पूर्णिमा की पौराणिक कहानी सुनाएंगे। श्रावण माह की पूर्णिमा बहुत ही शुभ व पवित्र दिन माना जाता है। ग्रंथों में इन दिनों के किए गए तप और दान का महत्व उल्लेखित है। इस दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ श्रावणी उपकर्म श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आरंभ होता है। ब्राह्मण वर्ग अपनी कर्म शुद्धि के लिए उपकर्म करते हैं। हिंदू धर्म में सावन माह की पूर्णिमा बहुत ही पवित्र व शुभ दिन माना जाता है। सावन पूर्णिमा की तिथि धार्मिक दृष्टि के साथ ही साथ व्यवहारिक रूप से भी बहुत ही महत्व रखती है। इस दिन शिव पूजा व जल अभिषेक से पूरे माह की शिव भक्ति का पुण्य प्राप्त होता है। चलिए सुनते हैं श्रावण पूर्णिमा की पौराणिक कहानी। पूर्णिमा व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था, उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते वह बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि न उसने भगवान को प्रणाम किया, न कथा सुनी, न ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाकर अपने नगर को लौट गया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। पश्चाताप करते हुए राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फल स्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्ग लोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेय यज्ञ का फल देने वाली है। कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वालों का सदा भला हो। भगवान सत्यनारायण की कृपा सभी पे हमेशा बनी रहे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।